थे सरदार लाल सिंह जी, एटीओ साहब चुके देखे डिपार्टमेंट में। पूरा यूथ हमारे साथ है, और पहले जो यूथ था ना वो माँ बाप के कहने पे वोट डालता था, इस बार जो माँ बाप है वो यूथ के कहने पे वोट डाल रहे हैं। तो इस बार एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। और ये जो जैसे उन्होंने एक मजाक बना रखा है, जो परिवारवाद है, ब्रह्म इंदिरा का बेटा और कैप्टन उसकी बेटी आगे प्रचार करती फिरती है, और बादल का बेटा, ये परिवारवाद पूरे पंजाब में ख़त्म हो जाएगा। और सर भी जितने भी मंत्री हैं, और देखो राणा गुरजीत और बहुत सारे मंत्री अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट से चुनाव लड़ा रहे हैं, तो ये परिवारवाद बिल्कुल जड़ से खत्म होगा और आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी इस बार। टोटे एंगेज्ड जो कि मोहित मिंद्रा जी कह लन, ऋतु शर्मा जी कह लन, वो एंगेज खड़े हैं, तो उन्होंने किस तरह देख रहे हैं? कोई चैलेंज नहीं है जी, ब्रह्म इंदिरा का रेपूटेशन बहुत माड़ा, वो 5 साल लोगों से गया नहीं, कोई काम नहीं किया उन्हें। और पटियाले वो जो शहरी विकास मंत्री है, वो शहर के कोई विकास नहीं होया, मतलब स्कूल डिस्पेंसरी हस्पताल तो दूर की गल है, सड़कों तक नहीं बनिया वो, हूँ बना रहे हैं, जो सड़क पट के सुटिया हुई हैं। त्रिपुड़े पिछले महीने बनाइया सगिया, महीने बाद टुट गई, लोग उन्होंने बनाते और झाड़ू ना कट्ठिया करके दिखाते हैं। सो उन्होंने जिन्ना भ्रिष्टाचार किया ब्रह्म इंदिरा जी ने और संजीव बिट्टू जी ने, लोग उन्होंने सज़ा देने लिए तैयार बैठे आ। और जोड़ा बेअदबी के मसले भी हो रहे, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में इन्होंने नाल, क्योंकि जो ये कहें भी पागलपन के दौरे लोगों उदों ही पैदा जो वोटा आदियाँ, ये पिछले डूंगी साजिश है और जी राजनीतिक षड्यंत्र है। जिन फ्यूचर थोड़ी मतलब आम पार्टी आती है, तो थोड़े कोई खास प्लान है कि फ्यूचर की? बिल्कुल बिल्कुल, साडा क्लीयर कट एजेंडा कि लोगों को बुनियादी सहूलत, सेहत, सिक्ख्या, रुजगार, और जोड़े नशा करते हैं, जोड़े नशा बेचते हैं, जोड़े व्डे व्डे मगरमच्छ है मंत्री और संतरी, और जोड़े भ्रिष्टाचार करते, जोड़े बंब धमाके करते, और जोड़े बेअदबियां करते, उन्होंने सारियां सख्त तो सख्त सजावं दे के जेलों से डका। आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं आम जनता को, मेरा यही संदेश है आम जनता को कि आप एक मौका अरविंद केजरीवाल को दो, भगवंत मान को दो, एक मास्टर का बेटे भगवंत मान को दो, और एक किसान के बेटे डॉक्टर वीर को दो, हम पंजाब को बहुत अच्छा रंगला पंजाब बना देंगे, जिसमें बच्चों के लिए शिक्षा भी होगी, नौजवानों के लिए रोज़गार होगा, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी सेहत सहूलतें होगी, और बिजली पानी सड़क ये सबको मिलेगा। पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर बलबीर सिंह जिंदाबाद, बोले की सो निहाल, सो श्री अकाल। स्वागत करते हैं लाल सिंह जी, लाल सिंह जी बड़े शौक, लाल सिंह जी बड़े नाम है, एडवोकेट साहब, हम बयान कर देते हैं, आ जाओ आ जाओ। देखो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोज़गारी, और नशे की समस्या बहुत है यूथ में, और जो एक भावनात्मक मुद्दा है, और लोग बहुत सारे हार्ट हैं, वो है जो बेअदबियाँ होती हैं, जब भी इलेक्शन आती है बेअदबियाँ होती हैं और बम धमाके होते हैं। और पटियाले की समस्या का तो पूछो मत, शहरी विकास मंत्री के पूरे इलाके में कहीं कोई विकास नहीं है, ना तो कहीं कोई सड़क है, और ना ही कोई सीवरेज काम कर रहा है, ना लोगों को पानी मिल रहा है, अब दवाई तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, कि ना किसी गांव में और ना ही किसी मोहल्ले में, बच्चों के स्कूल बिल्कुल खस्ता हालत में है, तो लोग तो बहुत मतलब तरह तरह। आप क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है दिन पर दिन, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप क्या करेंगे? देखो अगर मैं बात करूं, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए शिक्षा और सेहत ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अगर शिक्षा नहीं है तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब ये टीचर्स हैं वो तो बेचारे टैंकियों के ऊपर बैठे हैं, और यहाँ पे गुरुद्वारे के सामने वो 6 महीने अपने अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए बैठे रहे, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले, उन्होंने टेस्ट पास किया, इंटरव्यू दिया, सारा प्रोसेस कम्प्लीट किया, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। और यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें सारे टीचर्स धरने पर, क्योंकि वो 400 करोड़ के कर्जे में लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, और मेडिकल कॉलेज मेडिकल टीचर्स का इससे भी बुरी हालत है। हॉस्पिटलों में कोरोना आता है, और जो शिक्षा का मंदिर है स्कूल है उनमें कोरोना आता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
सही बात है। और जो कांग्रेस की रैली है उसमें भी कोरोना नहीं है, अकाली की रैली में भी नहीं है, और जो लोग कांग्रेस उसमें भी नहीं है, सिर्फ जो आम आदमी पार्टी की मीटिंग होती है उसमें कोरोना फैलता है। पहले किसानों के आंदोलन में फैलता था, अब सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को ये हमें टारगेट करने के लिए। तो कोरोना का जो है इन्होंने पहले जब जो करना था वो तो किया नहीं, कोरोना के लिए जो कुछ करना चाहिए था ना, अभी वैक्सीनेशन नहीं कर पाए। तो बातें करते हैं लोगों के लिए। 2017 ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ 2022 ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਲਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਰ ਜੋ ਯੂਥ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮੰਡੀਰ, ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਰ ਤੋਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੋਗੀ।